Dear students, today we will perform the dissection of the fish. Fish belongs to the phylum Chordata, class Pisces. We will perform dissection of Labiorohita, that is commonly called Rohu. And it is the fish that is commonly used for food in mostly Asian countries. First of all, hum observe karenge external structure. जो फिश के अंदर मौजूद होते हैं और उसे हेल्प करते हैं स्विमिंग में. अगर हम देखें इसकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है. स्टार्ट जो इसका माउथ है वो थिन होता है. इसकी जो टेल है वो भी थिन होती है, जबकि जो इसका एब्डोमेन है वो ब्रॉड होता है. इस तरह इसकी जो शेप है वो स्ट्रीम लाइंड होती है. स्ट्रीम लाइंड शेप होने की वजह से ये वाटर में इजीली स्विम कर सकती है. इसे वाटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती. अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले इसमें क्या मौजूद है, माउथ. माउथ को ये यूज़ करते हैं वाटर के इनटेक के लिए. वाटर माउथ के थ्रू एंटर होता है और यहाँ पे ये एंटर होते हुए गिल्स से जो है वो बाहर आता है. अभी हम देखेंगे कि किस तरह जो है वाटर माउथ के थ्रू एंटर होता है और गिल्स के थ्रू जो है वो बाहर निकलता है. माउथ के बिल्कुल ऊपर एक्सटर्नल नेयर्स या नोस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं. ये सेंस ऑफ स्मेल में हेल्प करते हैं और बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं फिश के लाइफस्टाइल में वाटर के अंदर. ऑल्फैक्टरी लोब्स जिनके जो ये एक्सटर्नल नेयर्स जिनके साथ जाके कनेक्ट होते हैं वो ब्रेन में मौजूद होते हैं और वो बहुत ज़्यादा लार्ज इन साइज होते हैं, क्योंकि फिश को अपनी प्रोटेक्शन के लिए स्मेल सेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. दूसरा, इसको ब्रीडिंग सीजन में अपनी जो है अगर मेल स्पीशी है तो फीमेल स्पीशी को आइडेंटिफाई करने के लिए भी स्मेल करने की ज़रूरत होती है. जैसा कि आप जानते हैं कि फिशेस फेरोमोन्स रिलीज़ करती हैं, ऐसे केमिकल्स जिनको स्मेल करके मेल या फीमेल मेट आपस में जो है इकट्ठे हो सकते हैं और उस टाइम वो एग रिलीज़ करते हैं और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट होता है. उसके बाद जो है फ़िश के अंदर क्या मौजूद होती हैं, आइज़ मौजूद होती हैं और आइज़ में आईलिड मौजूद नहीं होता फ़िश में. इसमें एक बहुत थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती है फ़िश के अंदर जो प्रोटेक्ट करती है इसको वाटर से. सबसे पहले हम ऑब्ज़र्व करेंगे इसमें क्या मौजूद होता है, माउथ. माउथ वाटर एंट्रेंस के लिए यूज़ होता है. फ़िशेज़ के अंदर पेयर ऑफ आइज़ मौजूद होते हैं, एक राइट साइड पर और एक जो है वो लेफ़्ट साइड पर. अगर आप फिशेस की आइज़ को ऑब्ज़र्व करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर कोई आईलिड मौजूद नहीं होता. सर्कुलर शेप आइज़ होती हैं. आइज़ के ऊपर थिन मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ये वाली जिसको मैं अभी टच कर रही हूँ. ये प्रोटेक्ट करती है इसको वाटर के अंदर जो हैं कोई भी अगर पार्टिकल्स हैं उस चीज़ से. ये अपनी आइज़ को रोटेट कर सकती हैं, जिस तरह मैं फिंगर से आइज़ जो हैं फ़िश की वो रोटेट कर रही हूँ. इस तरह से मूवेबल आइज़ जो हैं फ़िश के अंदर मौजूद होती हैं. उसके बाद अगर हम फ़िश की स्किन को देखें तो इसकी स्किन के ऊपर म्यूकस मौजूद होता है, जिसकी वजह से फ़िश की जो स्किन है वो थोड़ी सी स्लाइमी होती है. स्लाइमी स्किन होने की वजह से ये प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड करता है. ये स्लाइम फंगल इन्फेक्शन से, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टेरिया से. और उसके बाद जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है इसकी स्किन के ऊपर वो हैं स्केल्स. और स्केल्स जो हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में मौजूद होते हैं, जिस तरह ये आप देख सकते हैं ये स्केल्स हैं. ये एक पैटर्न के साथ मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए होते हैं. अगर हमने एक सिंगल स्केल के स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व करना हो तो हम फोर्सेप्स से उसे लेंगे, रिमूव करेंगे इस तरह से. ये हम सिंगल स्केल का स्ट्रक्चर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जो अभी हमने रिमूव किया है फ़िश की स्किन से. इसमें आप देखें कि ये जो पार्ट है ये वाला, इसे हम पोस्टीरियर फील्ड कहते हैं. ये अंदर की तरफ होता है, इसे हम इंटीरियर फील्ड कहते हैं. ये बाहर की तरफ होता है. दरमियान में ट्रांसपेरेंट सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, उसे हम फोकस कहते हैं. उसके ऊपर जो है लाइंस आप देख सकते हैं,
वो आपको जो है नज़र आती हैं वो रेडियाई होते हैं। ये जो लाइन स्केल्स के ऊपर मौजूद होती हैं ये डिटरमिन करती हैं फ़िश की एज को। जैसे जैसे फ़िश की एज ज़्यादा होती है ये जो लाइन्स हैं ये ज़्यादा होती जाती हैं और स्केल का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। जैसा कि हम लेबियोरोहिटा की डाइसेक्शन कर रहे हैं तो लेबियोरोहिटा ऑस्टिक थाइस की कैटेगरी से बिलोंग करती है, यानी कि ऐसी फ़िशेज़ जिनमें बोनी स्केलेटन मौजूद होता है तो इनके अंदर जो स्केल्स होते हैं उन्हें हम साइक्लॉइड स्केल्स कहते हैं। स्केल्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ फ़िश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में बल्कि स्केल्स की हेल्प से हम फ़िश की एज भी डिटरमिन कर सकते हैं और ये हमें क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं फ़िश की कि ये कौन सी स्पीशी है फ़िश की। फ़िश के स्केल्स ऑब्ज़र्व करने के बाद अब हम देखेंगे कि उसकी स्किन के ऊपर और कौन सा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये फिन्स मौजूद होते हैं। फिन्स हेल्प करते हैं फ़िश को स्विमिंग में। अगर हम इसके बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द फिन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं लेबियोरोहिटा के अंदर। इसकी जो ऊपर वाली साइड पे फिन मौजूद होता है उसे हम डॉर्सल फिन कहते हैं। इसके माउथ के नीचे जो फिन मौजूद होता है उसे हम पेक्टोरल फिन्स कहते हैं और पेक्टोरल फिन्स दोनों साइड्स पे मौजूद होते हैं, ये पेक्टोरल फिन है। उसके बाद जो हैं इसके थोड़ा सा पेक्टोरल फिन से नीचे आ जाएं तो पेयर ऑफ फिन्स मौजूद होते हैं, इन्हें हम पेल्विक फिन्स कहते हैं। पेक्टोरल फिन्स को पेक्टोरल उसकी पोजीशन की बेस पे कहा जाता है क्योंकि वो जो हैं इसके शोल्डर रीजन्स में होती हैं, पेल्विक उसकी जो हैं पोस्टीरियर रीजन में होते हैं तो हम उसे जो हैं वो पेल्विक फिन्स कहते हैं। उसकी जो है ये यहाँ पे अगर आप देखें आपको एक ओपनिंग नज़र आ रही है इसके पोस्टीरियर पार्ट पे, ये एनस है। एनस वेस्ट की जो है रिमूवल के लिए ओपनिंग मौजूद होती है फ़िश के अंदर। ओपनिंग के बिल्कुल पीछे जो आपको फिन नज़र आ रहा है इसे एनल फिन कहते हैं और सबसे एंड पे जो है इसकी जो है टेल, वहाँ पे आपको एक फॉर्क शेप फिन नज़र आ रहा है उसे हम कॉडल फिन कहते हैं। अगर हम इसके फिन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हमें क्या नज़र आता है, इसके अंदर फिन रेज मौजूद नज़र आती हैं। ये डार्क कलर की लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी ये इसकी फिन रेज हैं। ये इसके स्ट्रक्चर को कार्टिलेजिनियस फिन रेज होती हैं, ये फिन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और इसे प्रोटेक्ट करती हैं ताकि ये डैमेज ना हो और स्विमिंग में हेल्प करता रहे। इसकी टेल में इस तरह का फिन होने का बेनिफिट इसे ये है कि ये स्टीयरिंग काइंड ऑफ, अगर इसने अपनी पोजीशन चेंज करनी हो लाइक एक डायरेक्शन में जा रही है फ़िश और इसे दूसरी डायरेक्शन में जाना है तो फिर ये अपने ये वाला कॉडल फिन यूज़ करती हैं अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें जो हमें एक और स्ट्रक्चर इसकी स्किन के ऊपर नज़र आता है, यहाँ पे एक कॉन्टीन्यूस लाइन नज़र आती है दोनों साइड पे, इस साइड पे भी है ये और इस साइड पे भी है, इसे हम लेटरल लाइंस कहते हैं। लेटरल लाइन फ़िश को मूवमेंट में हेल्प करती है, वाटर के अंदर कोई भी अगर मूवमेंट हो तो उसको डिटेक्ट करने में ये हेल्प करती है। दूसरा, फ़िश अपना जो बैलेंस है वो किस तरह मेंटेन कर सकती है वाटर के अंदर, तो ये जो लेटरल लाइंस हैं ये इसे हेल्प करती हैं वो बैलेंस मेंटेन करने में। फिन्स के बाद अगर हम देखें तो हमें दो कलरेशन में जो है फ़िश नज़र आ रही है उसकी स्किन। वेंट्रल साइड लाइट कलर में है, डॉर्सल साइड डार्क कलर में है। ये काउंटर शेडिंग है कलरेशन की स्किन के जो प्रोवाइड करती है फ़िश को कैमोफ्लेज। जैसा कि आप जानते हैं फ़िश जब वाटर के अंदर होती है तो उसकी डायरेक्शन ये होती है, अगर कोई भी एनिमल उसे नीचे से देखता है तो लाइट कलर होने की वजह से ऊपर से सनलाइट की जब रिफ्लेक्शन आती है तो ये डिटेक्ट नहीं हो पाता। इसी तरह अगर कोई बर्ड है वो ऊपर से आइडेंटिफाई करता है कि वाटर के अंदर फ़िश मौजूद है या नहीं, तो वाटर को जब हम ऊपर से देखें तो वो हमें एक डार्क से कलर का दिखाई देता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से ये उस कलर के साथ मर्ज हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो बर्ड है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता फ़िश को। इस तरह ये स्किन की कलरेशन और उसकी काउंटर शेडिंग फ़िश को हेल्प करती है कैमोफ्लेज करने में और अपने इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने में और प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करने में। वाटर के अंदर भी प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करती है ये, और जो बाहर टेरिस्टल इन्वायरमेंट के अंदर हैं जिस तरह फ्लाइंग बर्ड्स हैं उससे भी ये प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद ये सारी एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑब्जर्व हमने कर ली। अब उसके अगर हम माउथ पार्ट में आएँ तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है ऑपर्क्यूलम। आपको पता है कि फिश जो है उसमें रिस्पायरेशन किसके थ्रू होती है? गिल्स के थ्रू होती है। गैशियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाती है और ये गैशियस एक्सचेंज वाटर के थ्रू होता है। अब जो है फिश वो क्या करती है, गल्पिंग करती है। जिस तरह मैं इसके ऑपर्क्यूलम को मूव कर रही हूँ तो इसका जो माउथ है वो भी मूव हो रहा है। तो ये हम अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। मैं क्या लूँगी, सिंपल वाटर लूँगी और मैं इसके जो है माउथ में डालूँगी। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह ये यहाँ से जो है इसके ऑपर्क्यूलम के थ्रू जो है ये बाहर आएगा। अगर माउथ के थ्रू वाटर एंटर होता है तो वो ऑपर्क्यूलम के थ्रू जो है वो रिमूव होता है, ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है कि जब वाटर माउथ के थ्रू एंटर होता है और ऑपर्क्यूलम के थ्रू रिमूव होता है तो गिल्स के स्ट्रक्चर को ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व करने के लिए और रिस्पायरेशन के मैकेनिज़म को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका ऑपर्क्यूलम रिमूव करेंगे। फ़िश की डिसेक्शन जब हम शुरू करते हैं या उसके ऑपर्क्यूलम को हमने रिमूव करना होता है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है जो डिसेक्शन बॉक्स से हमने लिए हैं। उसमें सबसे पहले आपको जो है नज़र आ रही है ये एरो हेड नीडल, बिकॉज इसकी जो शेप है वो एरो की तरह होती है। उसके बाद हमें चाहिए पेयर ऑफ सीज़र जिसको हम यूज़ करेंगे ऑपर्क्यूलम कट करने में भी और डिसेक्शन में भी। उसके बाद हमें चाहिए फोर्सेप, इसको हम डिफरेंट ऑर्गन्स को रिमूव करने में, स्केल्स को पकड़ के ऑब्ज़र्व करने में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए नीडल सिंपल, ये हमारे पास यूज़ होगी ऑर्गन्स को पॉइंट आउट करने के लिए और अगर हमें किसी जगह पे कोई सुराख वगैरह करना हो तो हम उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसका ऑपर्क्यूलम रिमूव करना है। ऑपर्क्यूलम क्या है, असल में कवरिंग है जिसने गिल्स को कवर किया हुआ है और ये ओपनिंग है, ये क्लोज नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये ओपनिंग है, इस तरह ये ओपन है यहाँ से, तो इसको जो है ताकि वाटर वो निकल सके। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हम इसका ऑपर्क्यूलम रिमूव कर सकें ताकि हम जो इसके गिल्स के स्ट्रक्चर है उसको ऑब्ज़र्व कर सकें। इसका ऑपर्क्यूलम थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको मैं इसको पहले थोड़ा सा कट लगाऊंगी और फिर मैं इसको हाथ से ही जो है वो रिमूव करने की कोशिश करूँगी। अगर हम इसे पार्शली भी रिमूव कर सकें तो बेटर है हमारे पास, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यहाँ पे गिल्स की सेपरेशन है। हम उसके ऑपर्क्यूलम को रिमूव करेंगे, थोड़ा सा सीजर से कट लगाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी फोर्स यूज़ करेंगे और हम उसका जो है ऑपर्क्यूलम वो रिमूव कर देंगे। उसके बाद आप देखें आपको बहुत ही रेडिश कलर का जो है स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये क्या है, ये गिल्स हैं। इतने रेड कलर होने की रीज़न क्या है कि गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। जैसे ही वाटर इनके ऊपर से गुजरेगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे मौजूद होंगी तो क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन एंटर हो जाएगी ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के वाटर में आ जाएगी। अगर हमने देखना हो कि किस तरह से ये वाटर को अपने अंदर रिटेन करते हैं गिल्स, और गिल्स का क्लोज हमें स्ट्रक्चर देखना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक गिल को रिमूव करेंगे यहाँ से उसके माउथ के एंड से और दोनों साइड से हम इसको एक कट लगाएंगे सीज़र के साथ। इसमें फोर जो गिल्स हैं वो मौजूद होते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए। ये इस तरह हमने पैट्री प्लेट अपने पास रखी हुई है, हम उसमें इसको रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या नज़र आ रहा है, ये
फोर पेयर्स हैं तो हम इन्हें गिल रैक्स कहते हैं। यहाँ पे हमने एक गिल रैक को रिमूव कर लिया है फिश से और यहाँ पे क्या मौजूद होती हैं, ये कार्टिलेजिनियस जो हैं गिल पाउचेस मौजूद होती हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं रेज यहाँ पे, ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो आपको गिल रैक के अंदर नज़र आ रहा है इसे हम गिल पाउचेस कहते हैं, जिसमें क्या होते हैं गिल फिलामेंट्स होती हैं। ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर हैं ये इससे जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं और इन गिल फिलामेंट्स के अंदर क्या होती हैं ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। अब अगर उसमें हमें देखना हो कि वाटर रिटेंशन किस तरह होती है तो हम सिंपल लेंगे फॉर्मालिन लेंगे, ये बेसिकली ऑर्गन्स को फ्रेश रखने के लिए यूज़ होता है, ये हम उसके अंदर डाल देंगे। और सा और डालेंगे हम, आप देखें कि किस तरह जो हैं वो गिल्स वो थोड़े से स्वेल कर गए हैं और स्ट्रक्चर में भी बड़े हो गए हैं। इसी तरह जब वाटर इनके अंदर से गुज़रता है तो ये थोड़े थोड़े इनके जो फिलामेंट्स हैं उनमें स्पेस आ जाती है ताकि जो वाटर है वो हर फिलामेंट से पास होता हुआ जाए। सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की, जिसमें हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, माउथ मौजूद है, नॉस्टल्स मौजूद हैं, आइज मौजूद हैं, फिर हमने देखा फिश के अंदर स्केल्स मौजूद हैं उनकी इम्पोर्टेंस हमने देखी, फिर हमने फिन्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए, उसके बाद हमने देखा कि ऑपरक्यूलम होता है, उसके बाद गिल रैक्स हमने ऑब्ज़र्व किए। अब हम परफॉर्म करेंगे फ़िश की डाइसेक्शन, जिसमें हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑब्ज़र्व करेंगे कि फ़िश के अंदर कौन कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑब्ज़र्व करने के बाद हम इसकी डाइसेक्शन परफॉर्म करेंगे और डाइसेक्शन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो इसकी एनल पोर है उस साइड से जो है वो कट लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह जो है, क्योंकि इसकी थिक स्किन है, मस्कुलर लेयर इसमें मौजूद होती है, तो हम इस तरह इसको कट लगाएंगे। जैसे हम कट लगाएंगे इसमें जो है वाटर जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बहुत जेंटली कट लगाते जाएंगे थ्रू आउट दी माउथ। जहाँ पे फिन्स मौजूद होते हैं वहाँ से स्किन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ये इसके अंदर बहुत सारा वाटर है, पहले हम इसको कॉटन से एब्जॉर्ब कर लेंगे। मैं कॉटन यूज़ करूँगी, मैं एक पेटी प्लेट भी यूज़ करूँगी ताकि इसके वाटर को मैं इसके अंदर जो है वो रिमूव कर सकूँ। इस तरह से बाकी वाटर को हम जो है कॉटन से थोड़ा सा अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे ताकि हम इसकी डाइसेक्शन करके उसके पार्ट्स अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकें। ये बेसिकली सिलोमिक फ्लूइड है जो ऑर्गन्स को इंटैक्ट रखता है अपनी जगह पे। उसके बाद हम इसके इंटरनल ऑर्गन्स ऑब्ज़र्व करने से पहले हम इसके थोड़ा सा एनल साइड की बैक साइड पे भी कट लगा लेंगे ताकि हम अच्छे से देख सकें। यहाँ पे जो आपको सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नज़र आता है वो है कॉइल्ड इंटेस्टाइन, क्योंकि ये जो हैं मेम्ब्रेन्स आपस में अटैच रखती हैं, ये इस मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने ऑर्गन्स को आपस में इंटैक्ट रखा हुआ है। क्योंकि इतनी बड़ी कॉइल्ड इंटेस्टाइन किस तरह इंटैक्ट रहेगी, ये उसको जो है कोई चीज़ होनी चाहिए जो उसको पकड़ सके, तो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं जो उसको पकड़ती हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हम क्या करेंगे, मैं यूज़ करूँगी एक ब्लेड ताकि ये जो मैं मेम्ब्रेन्स हैं उसको डिसकनेक्ट कर सकूँ और ऑर्गन्स को रिमूव कर सकूँ। आप इसकी जगह स्केल्पल भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत जेंटली आप इसको रिमूव करेंगे इसकी इंटेस्टाइन को। ये कनेक्टेड हैं बाकी ऑर्गन्स से भी,
हमने कोशिश करनी है कि हम बाकी ऑर्गन्स डैमेज ना करें ताकि हम उसे ऑब्ज़र्व कर सकें। ये थोड़ा सा मैंने इसे डिसकनेक्ट कर दिया है, ये इंटेस्टाइन है, कॉइल्ड इंटेस्टाइन। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वाइट कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ये, और वो थोड़ा सा स्वेल किया हुआ है। ये वाइट कलर का पोर्शन है, इसे हम स्विम ब्लैडर कहते हैं। ये आप देखें, इसके दो पार्ट्स हैं, एक ज़्यादा जो है स्वेल है वो स्टार्ट वाला है, फिर दरमियान में एक कंस्ट्रिक्शन है, और फिर एंड वाला पार्ट है, ये स्विम ब्लैडर है। और इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर एयर मौजूद है। अब स्विम ब्लैडर का क्या बेनिफिट है फ़िश को, और एयर क्यों है? ताकि ये जो फ़िश है इसका वेट कम किया जा सके और ये वाटर में इजीली स्विम कर सके। अगर मुझे आपको दिखाना हो कि किस तरह इसके अंदर एयर है, जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि ये फुला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह, इस तरह इसमें एयर मौजूद है। तो अगर मैं इसको इस तरह इसके अंदर सुराख कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, सारी एयर इसके अंदर से रिमूव हो जाएगी और ये क्या एक सिंपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रह जाएगा। ये इस तरह से एयर जो है वो रिमूव हो जाएगी। स्विम ब्लैडर के ऊपर वाली साइड पे आपको ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, जिस तरह ये क्या हैं, इसकी किडनीज हैं, ये इसे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। आपको पता है फ़िश वाटर के अंदर मौजूद है, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा इसके अंदर? अमोनिया वेस्ट जो है उसको रिमूव करने के लिए बॉडी से वाटर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो वाटर लिविंग एनिमल्स हैं उनकी जो किडनीज़ हैं वो इस तरह अडॉप्ट होती हैं कि वो जो अमोनिया है उसको रिमूव कर सकें। और ये जो किडनीज़ हैं ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से, जिस तरह ये यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट है और थ्रू आउट स्विम ब्लैडर के साथ साथ होती हुई यहाँ पे एंड होती हैं। उसके बाद जैसे हम डिसेक्शन करते हैं हमें क्या स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये आपके पास जो है बिल्कुल किडनीज़ के नीचे स्विम ब्लैडर के आगे वाली साइड पे आपको नज़र आते हैं गोनेड्स। हम थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं, ये यहाँ पे इसके गोनेड्स मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को लूज़ करूँगी ताकि मुझे जो नीचे वाला पार्ट है वो देखने में आसानी हो। आपने देखा जैसे ही मैंने कट लगाया है ब्लड वेसल्स डैमेज हुई हैं और ब्लड जो है वो रिमूव हो रहा है, क्योंकि हमने किडनीज़ और गोनेड्स ऑब्ज़र्व कर लिए हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दूंगी। उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे इसके माउथ पार्ट में क्या मौजूद होता है। हम लगाएंगे कट, अब हम ऑब्ज़र्व करेंगे फ़िश के हार्ट को। हमने क्या किया है, थोड़ा सा उसके माउथ की साइड पे ज़्यादा कट लगा दिया है ताकि हम उसके हार्ट को ऑब्ज़र्व कर सकें। यहाँ पे आप देखें रेडिश कलर का स्ट्रक्चर है, जैसे ही मैं नीडल टच करती हूँ वो श्रिंक करता है। तो ये इसका हार्ट है, ये इस तरह जो है इसमें हार्ट बीट होती है। अभी भी आप देखें कि वो उसमें सेंसेशंस मौजूद हैं। फ़िश के अंदर सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सिंपल एक आर्ट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है, और ये आप देखें कि ये गिल्स के बिल्कुल नीचे है हार्ट। जैसे ही आपके पास ब्लड यहाँ पे पूरी बॉडी से होता हुआ हार्ट के पास जाएगा, हार्ट के आर्टरिया में जाएगा, वहाँ से वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से ये होता हुआ एओर्टा के थ्रू गिल्स में जाएगा। गिल्स में क्या होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा और फिर पूरी बॉडी के अंदर वो जो ब्लड है वो सर्कुलेट करेगा। इस तरह जो है फ़िश उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन करता है।
हार्ट के बिल्कुल नीचे आपको एक और लाइट रेडिश कलर का या हम ब्राउनिश कह लें स्ट्रक्चर नज़र आता है जो किडनीज़ के साथ कनेक्टेड होता है और नीचे हार्ट के मौजूद होता है। ये वाला स्ट्रक्चर उसे हम लीवर कहते हैं। ये यहाँ पे दोनों साइड्स पे जो हैं ये इस तरह से यहाँ पे ये लीवर का स्ट्रक्चर है। किडनीज़ एक यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है और एक इंटेस्टाइन के दूसरी तरफ होता है ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये किडनीज़ का स्ट्रक्चर है और ये लीवर के साथ कनेक्टेड होता है। अब हम इसके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी इंटेस्टाइन को रिमूव कर देंगे ताकि हम जो इंटेस्टाइन के नीचे आपके पास स्टमक मौजूद है उसे ऑब्ज़र्व कर सकें। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक कट लगा देना है ताकि हम जो हैं ये इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको ईज़ीली ऑब्ज़र्व कर सकें। थोड़ा सा मैं इसके लिक्विड को साफ कर लूँगी। यहाँ पे आप देखें जैसे ही हम इंटेस्टाइन को ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे हमें वाइट कलर का लोब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये क्या है, फ़िश का स्टमिक है। अब ये जो स्टमिक है ये यहाँ पे इसकी ऊपर वाली साइड पे क्या मौजूद होती है, एसोफेगस, और एसोफेगस कनेक्टेड होती है माउथ से। जैसे ही फूड ये लेते हैं माउथ के थ्रू वो कहाँ आती है, एसोफेगस में, और एसोफेगस से स्टमिक में आती है। स्टमिक में इनिशियल डाइजेशन होती है और ये जो स्टमिक है ये कनेक्टेड होता है ये जो इंटेस्टाइन है इसके साथ। इसको अब मैं रिमूव कर दूंगी, ये इंटेस्टाइन है, ये देखें यहाँ पे उसका वेस्ट भी बना हुआ है। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में इंटेंगल्ड होती हैं ये इस तरह से। यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये इसके अंदर ट्यूबुलर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, साथ ही इसमें कुछ पार्ट जो है वो किडनीज़ का आ गया है। ये आप देखें कि जो फिश का वेस्ट है वो इसकी लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। अब ये इसका स्टमक पार्ट है, वो इसकी इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। फूड कहाँ जाती है, पहले स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है, फूड की एब्जॉर्प्शन हो जाती है और उसके बाद जो भी वेस्ट है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जैसे कि आप वेस्ट देख सकते हैं। और ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर ये पोर है, ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्टेड था और एनस है उसे हम कहते हैं, और एनस के थ्रू जो वेस्ट है वो बाहर चला जाता है। अब जो है अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा इसके मसल्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, इसके मसल्स हैं, मस्कुलर पार्ट है जिसको मोस्टली फूड के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे कट लगाएं और इसका स्केलेटन हमने ऑब्ज़र्व करना हो कि किस तरह का होगा, जैसा कि हमने कहा कि ये ऑस्टिक थाइस फिशेज़ हैं और इसके अंदर बोनी स्केलेटन मौजूद होता है। अक्सर आपने फ़िश को खाते हुए जो आप रिमूव करते हैं उसके स्पाइंस, वो क्या होते हैं, असल में उसका स्केलेटन होता है जो फ़िश को बनाता है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मैंने सेपरेट किया है, वाइटिश कलर का इसमें जो है वो पार्ट होता है। ये इसका स्केलेटन है, बोनी स्केलेटन, जो फ़िश को क्या प्रोवाइड करता है, मूवमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसके ये पूरे यहाँ पे दोनों साइड्स में जो है वो बोनी स्केलेटन मौजूद होता है, इस तरह यहाँ पे भी मौजूद होता है। अगर हम ये सारी इसकी मेम्ब्रेन्स को कर दें साइड पे और फिर हम ऑब्ज़र्व करें यहाँ पे इसके ब्लड को, अगर मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ तो यहाँ आप देखें आपको बहुत क्लियर वर्टिब्रल कॉलम नज़र आएगा। ये जो इसकी बैकबोन है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और यहाँ पे जो है ये स्मॉल डिस्क होती हैं जिसके थ्रू जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कनेक्टेड होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिश डाइसेक्शन और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में है। सारे पार्ट्स ऑब्ज़र्व हमने किए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के, सर्कुलेटरी सिस्टम के, उसके बाद हमने लिवर ऑब्ज़र्व किया, स्विम ब्लैडर, किडनी। ये सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमारी डाइसेक्शन का जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। अब हमने इसको डिस्कार्ड करना है
तो डिस्कार्ड करने से पहले थोड़ी सी समरी कि हमने आज क्या परफॉर्म किया है। हमने फ़िश की डाइसेक्शन परफॉर्म की है। फ़िश कौन सी ली है हमने? लेबियोरोहिटा ली है। और हमने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको पहले बता दी हैं। उसके बाद डाइसेक्शन की, उसके हमने इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑब्ज़र्व किए। इंटरनल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या ऑब्ज़र्व किया? सबसे पहले हमने स्विम ब्लैडर देखा, उसके बाद हमने किडनीज ऑब्ज़र्व की कि किस तरह ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर होता है पूरी फ़िश की जो है बॉडी के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद हमने उसके कट लगाया माउथ तक और उसका हार्ट देखा। हार्ट क्या है? आपके पास एक सिंगल सर्कल स्ट्रक्चर है, दो पार्ट्स उसमें मौजूद हैं, एक आर्ट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। उसके बाद हमने उसकी इंटेस्टाइन जो है उसको ऑब्ज़र्व किया और हमने उसको रिमूव कर दिया। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन इंटैक्ट होती हैं आपस में, और ये इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि फ़िश की फूड क्या है। अगर तो हर्बीवोर स्पीशीज़ हैं, यानी कि श्रब्स या प्लांट्स पे फूड उनकी है कंसिस्ट करती है, तो इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो बड़ा होगा ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो कार्निवोर फिश है, यानी किसी मीट पे फीड करती है, तो इंटेस्टाइन का जो साइज़ है वो स्मॉल होगा। ना सिर्फ इंटेस्टाइन का साइज़ बल्कि उसके माउथ का साइज़, उसके अंदर टीथ का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ डिटरमिन करता है कि फ़िश किस चीज़ पे फीड कर रही है। उसके अकॉर्डिंग वो अपने इंटरनल पार्ट्स की अडॉप्टेशन करती है। इंटेस्टाइन ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने क्या ऑब्ज़र्व किया? वाइटिश कलर का मस्कुलर बैग, जिसे हम स्टमक कहते हैं, जो कनेक्टेड होता है एसोफेगस से, और एसोफेगस कनेक्टेड होती है माउथ से। इस तरह क्या होता है, फूड माउथ में एंटर होती है, उसके बाद ये जाती है एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। वहाँ पे सारा वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट होता है और रिलीज हो जाता है एनस के थ्रू बाहर। ये हमारी डाइसेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हमने क्या करना है, हमने जो अपना स्पेसिमन है उसे प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है। सबसे पहले जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किए थे आप उसको सेपरेट कर लेंगे। इनको बाद में हम प्रॉपर वॉश करेंगे और 70% एथानॉल से क्लीन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक सिंपल प्लास्टिक बैग लेंगे, उसमें ये सारे जो ऑर्गन्स हैं पहले वो डालेंगे। यहाँ पे हम ये वाले प्लास्टिक बैग भी यूज़ कर सकते हैं, आप ज़िपर बैग भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने ऑर्गन्स सेपरेट किए थे हम वो डालेंगे इसमें। इस चार्ट को हम रिमूव कर देंगे, जो भी ब्लड इसके ऊपर है या वेस्ट है वो इसी के साथ हम डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद ये हम इसके गिल्स जो हैं वो डिस्कार्ड कर देंगे। वाटर डिस्कार्ड करने के लिए हम कोई प्रॉपर बीकर यूज़ करेंगे। कॉटन भी डिस्कार्ड कर देंगे। पैटी प्लेट्स मैंने डिस्पोजेबल यूज़ की थी प्लास्टिक की, उन्हें भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। ब्लेड हमने यूज़ किया था, इट्स अप टू यू, आप इसे वॉश करके दोबारा यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या आप इसे डिस्कार्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद हम फिश लेंगे और जो है इसको इस तरह से इस बैग के अंदर डाल देंगे इस तरह से, और इसको जो है हम डस्टबिन में फेंक देंगे, और बाद में जो है हम इसको बाहर डाल देंगे डस्टबिन का जो भी वेस्ट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पिंस रिमूव करेंगे। जो हमने डिसेक्शन बोर्ड असल में यूज़ किया था उसके ऊपर हमने ये वाइट कलर का फिल्टर पेपर रखा था, ताकि ये आप देख सकते हैं जिस तरह ब्लड जो है फिश से निकलता है या उसके अंदर से जो है सिलोमिक फ्लूड निकलता है वो सारा जो है वो रिमूव हो सके। ये हमने थंब पिंस से उन्हें कनेक्ट किया हुआ था, वो सारी हम रिमूव कर देंगे यहाँ पर। फोर्सेप यूज़ करते हुए उसके बाद हम ये जो फिल्टर पेपर है इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। दूसरा बैग यूज़ करते हुए ये उसमें डाल देंगे। ये आपका डिसेक्शन बोर्ड है वुड का, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, आप इसे बार बार वॉश करेंगे। उसके बाद हम जो भी चीज़ें हमने ली हैं अपनी लैब में, वो जिस जगह से हमने उठाई हैं वहाँ पर हम इसको रख देंगे, और इस तरह हम इसका जो फिल्टर पेपर है जो हमने यूज़ किया उसे भी डिस्कार्ड कर देंगे, और बाद में हम वॉशिंग करेंगे जो भी ऑपरेटर्स हमने यूज़ किया, और अपने टेबल को प्रॉपर हम पहले सिंपल कॉटन यूज़ करके और फिर 70% एथानॉल यूज़ करके क्लीन कर देंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइसेक्शन ऑफ द फिश।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूम हो गया होगा कंप्लीट, उनकी मॉर्फोलॉजी, वो किस तरह के नज़र आते हैं, उनकी क्या एडॉप्टेशन है, किस तरह फ़िश वाटर के अंदर सर्वाइव करती है और फूड कौन सी वो कंज्यूम करती है। अब आप जो हैं लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए मुझे उम्मीद है कि फ़िश की डाइसेक्शन खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपने अपने पास कॉटन ज़रूर रखनी है क्योंकि ब्लड जो है वो लिक्विड है, आपको पता है सिलोमिक फ्लूड लिक्विड है, वो सारा बाहर आता है, तो कॉटन से आप एब्जॉर्व कर सकते हैं, आपका टेबल जो है वो ठीक रहेगा। ये डाइसेक्शन करने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे खुद अपनी नोटबुक पे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो कि कौन से ऑर्गन की कौन सी पोजीशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।